नमस्कार दोस्तों, मैं दमयंती साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ भिंडी के पौधों के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ओकरा जिसे हम कहते हैं, आज से पहले जब भिंडी के सीड्स ग्रो किए थे, तब मैंने नर्सरी से तैयार पौधे लिए थे और आपके साथ वीडियो शेयर किए थे। दोस्तों, आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये जो पौधे हैं, इनको देख के जो खुशी हो रही है, आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि ये पौधे मैंने खुद ग्रो किए हैं और बीजों से ग्रो किए हैं। दोस्तों, सीड से ग्रो करना और उसका अनुभव लेना बहुत ही खुशी, बहुत ही सुकून देता है। और दोस्तों, ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये मैंने घर में अपने आप ही अपनी छत पर एक खेत बनाया है, और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर, इतना बड़ा गमला और इतना गहरा, उसके लिए पॉटिंग सॉइल बनाना, उसको तैयार करना, उसके लिए उपलब्ध करना काफ़ी मुश्किल सा काम होता है। और दोस्तों, ये मेरे टेरेस गार्डन में भिंडी के पौधे मैंने ग्रो किए हैं, और बीज से ग्रो करने की जो खुशी होती है, जो सुकून मिलता है गार्डनर्स को, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब इनको मैंने बीजों से ग्रो किया था, तो एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उस शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और जब ये बीज अंकुरित हो गए थे, उसका भी शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पौधे हैं, इतने सारे पौधे आप देख रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब मैं इनको ग्रो कर रही थी, बीजों को उगा रही थी, केवल 35 सीड्स में ग्रो करना चाहती थी। सोचिए, केवल 35 बीज मुझे ग्रो करने थे, और ये इतने सारे बीज जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ग्रो हो गए थे दोस्तों, कि इनको अलग अलग करना या कहीं और ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पास और संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और बहुत सारे पौधे ये उग गए हैं, और कई पौधे टेढ़े तिरछे भी ग्रो हो गए हैं, क्योंकि उनको उतनी जगह नहीं मिली। तो मैंने सोचा, विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए, और मैंने उनको उगने दिया। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शहतूत का पौधा है जो लगा हुआ है, उसके गमले में भी मिट्टी में अपने आप चले गए, क्योंकि बरसात होने की वजह से थोड़ी मिट्टी कम लग रही थी शहतूत के प्लांटर में, और मैंने मिट्टी डाली तो वहाँ भी ये सीड चले गए और ग्रो होने लगे। इसी तरह से दोस्तों, दो तीन गमलों में और एक दो पौधे ग्रो हो गए हैं। पता नहीं वो बड़े हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। और दोस्तों, इस तरह से मैंने ये भिंडी के पौधे ग्रो किए, मतलब बीजों से पौधों को तैयार किया, और अब देखते हैं कि ये कितने दिनों में ग्रो हो पाते हैं, बड़े हो पाते हैं, फूल बनते हैं, फिर फल बनते हैं, मतलब भिंडी उसमें ग्रो होती हैं, फिर जो उनको तोड़ने की खुशी होगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको फूल दिखा रही हूँ, भिंडी के ये फूल हैं, और देखते हैं कितने दिनों में ग्रो हो पाते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, कि दो बार ऐसा हुआ कि मैं इनको बीच में, इन पौधों को पानी नहीं दे पाई दो दो दिन के लिए। इतने अच्छे ये पौधे हैं, इतने हार्डी हैं, कि ये फिर भी ग्रो होते रहे, क्योंकि वो जो इनके पौधों के नीचे जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, जड़ों में वहाँ पानी रहा और ये ग्रो होते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपके साथ यही अपना अनुभव शेयर कर रही थी, और जब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भिंडी के पौधों का लेके आऊँगी, तो विस्तार से आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये भिंडी ग्रो हो रही हैं। और अभी फिर से इनको दो दिन के लिए पानी
नहीं मिल पाएगा, हो सकता बारिश हो। तो इस तरह से ये अनुभव है मेरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों।